हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फॉल्ट ट्रेसिंग में सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप। फॉल्ट ट्रेसिंग में क्या होता है, जो फॉल्ट होती है कोई भी उसमें, उसका हमको एक ट्रेसिंग के द्वारा, फॉल्ट ट्रेसिंग के द्वारा इसमें डिसीजन ट्री तैयार करते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम ये डायग्राम बनाया हुआ है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ, अ सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप इज नॉट गेटिंग प्रॉपर डिस्चार्ज, ड्रा डिसीजन ट्री फॉर इट्स मेंटेनेंस। एक सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप है जो कि आप उसमें कंप्लीट नहीं काम कर रहा है, इसलिए उसको हमको उसको फॉल्ट ट्रेसिंग के अकॉर्डिंग उसका डिसीजन ट्री तैयार करना है। आपको ये डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो सर्किल जो है, सर्किल का मतलब होता है नेचर कंट्रोल डिसीजन इसमें, और अगर ब्लॉक बनाया हुआ है इसका मतलब था मेन कंट्रोल डिसीजन। नेचर कंट्रोल डिसीजन मतलब जो पंप के अंदर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको हम नेचर कंट्रोल डिसीजन बोलते हैं, और अगर ये जो मेन कंट्रोल डिसीजन होता है जो व्यक्ति विशेष के द्वारा कोई काम किया जाए तो उसको मेन कंट्रोल डिसीजन के अकॉर्डिंग डिनोट करते हैं। सर्किल बनाया है नेचर कंट्रोल डिसीजन के द्वारा, हमने पंप को देखा तो पंप इज नॉट गिविंग प्रॉपर डिस्चार्ज, पंप जो है आपको प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं दे पा रहा है, इसलिए उसको चेक किया मेन कंट्रोल डिसीजन के द्वारा, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा चेक किया। चेक करने पर हमारे पास ये आपके पास इतनी कंडीशनें आती हैं, एक आता सक्शन लाइन, डिलीवरी लाइन, फुट वाल्व, स्टेनर, प्राइमिंग, रोटर, केसिंग, इम्पलर। जब भी हम सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप को देखते हैं तो हमारे पास इन इन जो जितने पार्ट दिख रहे हैं इन पार्टों पर पहले नज़र हमको डालनी पड़ेगी। सबसे पहले सक्शन लाइन, सक्शन लाइन में क्या है, डिलीवरी लाइन, फुट वाल्व, फुट वाल्व को चेक करेंगे, स्टेनर को चेक करेंगे, स्टेनर को, प्राइमिंग को चेक करेंगे, रोटर को, केसिंग को और इम्पलर को चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन होती है उसको चेक करेंगे, सेक्शन लाइन ओके होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक रहेगी। अगर इसमें सेक्शन लाइन चोक हो गई है उसको क्लीन हेड उसको साफ करेंगे। डिलीवरी लाइन में देखेंगे तो ये ओके ठीक भी रह सकती है, अगर ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक नहीं है अगर चोक है तो इसको भी क्लीन हेड करेंगे, साफ करेंगे। फिर हम देखेंगे फुटबॉल, फुटबॉल होता है, फुटबॉल में देखेंगे फुटबॉल ओके हो सकती है। एक होता है नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, ये अगर काम सही से नहीं कर पा रहे तो उसको क्या करेंगे, डू नीडफुल एक्शन, उसको ज़रूरत के हिसाब से हम उसको तैयार करेंगे। फिर हमारे पास है स्ट्रेनर, स्ट्रेनर को चेक करेंगे तो स्ट्रेनर भी हमारे पास यही कंडीशन है, उसका ओके ठीक रह सकता है या अनक्लीन, साफ नहीं है अगर स्ट्रेनर तो उसको क्या करेंगे, क्लीन इट करेंगे, साफ करेंगे स्ट्रेनर को। प्राइमिंग को चेक करेंगे तो प्राइमिंग में क्या होगा, ठीक हो सकता है ओके, अगर ठीक नहीं है, नॉट प्रॉपर है तो उसको क्या करेंगे, डू नीडफुल एक्शन, उसको ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम उसको एक्शन लेंगे। रोटर को चेक करेंगे, रोटर अगर फ्रीली रोटेटिंग है, फ्रीली रोटेटिंग हो सकता है और एक जामिंग हो सकता है, अगर फ्रीली रोटेटिंग है तो डू नीडफुल एक्शन, और अगर जाम है तो जाम को हम उसको क्या करेंगे, ठीक करेंगे। कैसिंग, कैसिंग में हमारे पास दो कंडीशन आएंगी, एक ओके, एक क्रेक्स प्रेजेंट, एक ठीक रह सकता है केसिंग या फिर कोई क्रैक हो सकता है, अगर क्रैक है तो इसका करेंगे डू नीडफुल एक्शन, उसको जरूरत के अकॉर्डिंग हम उसको तैयार करेंगे, सही करेंगे। इम्पेलर को चेक करेंगे तो इम्पेलर में हमारे पास दो कंडीशन आएगी, ओके ठीक हो सकता है, एक डैमेज्ड हो सकता है, अगर डैमेज्ड है तो उसको क्या करेंगे, चेंज, उसको इम्पेलर को चेंज कर देंगे। इसके हिसाब से हमने जो ट्री तैयार किया है उसी को हम डिसीजन ट्री बोलते हैं। हमने सबसे पहले इसमें सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप का डिसीजन ट्री के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया हुआ है, इसमें हमने ये दिया मेन कंट्रोल, ये हमारे पास नेचर कंट्रोल डिसीजन है, इसके अकॉर्डिंग पंप इज नॉट गिविंग प्रॉपर डिस्चार्ज, चेक किया सक्शन लाइन, डिलीवरी लाइन, फुटबॉल, स्ट्रेनर, प्राइमिंग, रोटर, कैसिंग, इम्पलर, चार कंडीशन पे आए, इन कंडीशन पे आए। सक्शन में हमारा सक्शन ठीक है ओके, और अगर नहीं है, चोक है तो उसको साफ करेंगे, क्लीन इट, डिलीवरी लाइन में ओके ठीक है, अगर चोक है तो उसको क्या करें, क्लीन इट करेंगे। फुटबॉल में भी हमारे पास दो कंडीशन ओके, एक नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली तो इसको क्या करें, डू नीडफुल एक्शन। स्ट्रेनर में ओके और अनक्लीन है तो क्लीन इट। प्राइमिंग में भी ये देखेंगे ओके ठीक है, अगर नॉट प्रॉपर है तो क्या करेंगे, डू नीडफुल एक्शन। रोटर में भी यही है, फ्रीली रोटेटिंग और एक जामिंग, अगर जाम है तो डू नीडफुल एक्शन करेंगे और फ्री है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कैसिंग में है ओके और क्रेक्स प्रेजेंट है, क्रेक अगर प्रेजेंट है तो इसको क्या करें, डू नीडफुल एक्शन करेंगे। इसी टाइप से आप इसमें एम्पलर में देखो तो एम्पलर में हमारे पास ओके ठीक है, अगर डैमेज्ड है तो क्या करेंगे, चेंज इट कर देंगे, उसको बदल देंगे। जो हमने फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक जो लेके आए हैं, इसमें जो हमने एक्शन लिया हुआ है, जो भी हमने प्रोसेस की हुई है, हर एक प्रोसेस को
एक डिसीजन ट्री के द्वारा तैयार किया हुआ, उसी को हम डिसीजन ट्री बोलते हैं। यही हमारा सेंट्रीफ्यूगल वाटर पंप का डिसीजन ट्री का डायग्राम है।